स्तर पर भी अनेक इंसेंटिव देने के कार्यक्रम आज संपन्न हुए हैं। महिला स्वयं सेवी समूह प्रदेश के अंदर अच्छा कार्य कर रहा है। भारतीय मनीषा तो हमेशा से इस बात को मानती रही है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, यानी अयोग्य कोई नहीं है, योजकः तत्र दुर्लभः, कोई योग्य योजक मिल जाए तो हर व्यक्ति योग्य है। और फिर आधी आबादी जो समाज को मार्गदर्शन देती हो, समाज को पूरी मजबूती के साथ अलग अलग रूपों में आगे बढ़ाने का कार्य करती हो, उसको तो अयोग्य माना ही नहीं जा सकता है। उसने आज समय पर अपनी कार्य योजना को बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। मैं आज सुबह की ही बात कर रहा हूं, आज प्रातः मुझे 10 बजे औरैया जनपद में एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मानता था कि 10 बजे महिलाएं कैसे आ पाएंगी, क्योंकि वे घर में अपना घर का चौका बर्तन का काम भी करती हैं, घर में भोजन भी बनाती होंगी, घर में तैयार भी होती होंगे, फिर उनको इन सभी कार्यक्रमों में बनते बनते 11 तो बजे जाएंगे। और मैं आराम से 11 बजे तक पहुंचा, और मैं 11 बजे भी इस आधार पर पहुंचा कि जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे 5-10-15 मिनट अलग से जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैं ताजुब था कि जब मैं 11 बजे के ठीक पहले वहां पहुंचा, तब तक पूरा पंडाल भरा था, और जितना पंडाल भरा था उससे भी ज्यादा लोग उससे बाहर खड़े थे। मैं देख के ताजुब कर रहा था कि इतनी जल्दी ये लोग आ गए, अपने अपने घरों का कार्य निपटा करके फिर इस कार्यक्रम में भागीदार बन करके फिर अपनी दिनचर्या को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह एक अभिनंदनीय प्रयास है, और मैं इस बात के लिए कि जेके परिवार ने कानपुर में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आप सोचिए 1884 से चली ये यात्रा किस रूप में है, उसका एक उदाहरण यहां पर जेके मंदिर के रूप में आप देख सकते हैं। कितना स्वच्छ और सुंदर परिसर होना चाहिए, देवस्थलों को, धार्मिक स्थलों को किस प्रकार का सुंदर और आकर्षक बनाया जाना चाहिए, यह जेके मंदिर उसका एक उदाहरण है। यह परिसर का स्वच्छ और सुंदर वातावरण, हरा भरा वातावरण इसका उदाहरण है। जेके परिवार के द्वारा संचालित शिक्षा और स्वास्थ्य के अनेक प्रतिष्ठान, उद्योग जगत से जुड़े हुए प्रतिष्ठित संस्थान इसके उदाहरण है कि ईश्वर भक्ति भी है, समाज सेवा भी है, और साथ साथ समाज को सन्मार्ग पर और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी, वह दृढ़ इच्छा शक्ति आज यहां पर देखने को मिली है। भाइयों बहनों, ये हम सबका सौभाग्य है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम आधी आबादी की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी हो या निजी क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रभावी तरीके से उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उनके सम्मान के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने उसकी गरिमा की रक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। याद करिए, मोदी जी के आने के बाद लगभग देश के अंदर 10 करोड़ दीवार ऐसे थे जिनके पास अपना व्यक्तिगत शौचालय नहीं था, ये नारी गरिमा पर सबसे बड़ी चोट थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी परिवारों के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय बनवा करके उनको स्वयं के लिए नारी गरिमा की सुरक्षा की रक्षा उसके माध्यम से की। नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का उदाहरण उज्ज्वला योजना का वह कनेक्शन है, जो 9 करोड़ परिवारों के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, और समय 40-45 वर्ष होते ही उनकी आंखें धुएं से खराब हो जाती थी, ईंधन की समस्या अलग थी। लेकिन आज उन सभी परिवारों के पास अपने लिए, स्वयं के लिए
एक एक रसोई गैस का कनेक्शन भी उनके पास उपलब्ध हुआ है और उन परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपए तक का इसमें सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई है, हर सिलेंडर पे उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। ये महिला सशक्तिकरण का कारण का कार्य है कि गांव में जहां पर महिलाएं रहती हैं, जो परिवार गांव में जहां रहता है वहां पर उस जमीन का मालिकाना अधिकार उस परिवार की किसी महिला सदस्य को उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। और अकेले उत्तर प्रदेश में 75 लाख परिवारों को हम घरौनी योजना के माध्यम से जहां पे घर या झोपड़ी है उसका मालिकाना अधिकार उसको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यह महिला सशक्तिकरण का ही आधार है कि उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश के सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए वे कार्यक्रम हैं जो ने स्वावलंबन के मार्ग पर तेजी के साथ अग्रसर करेंगे और उसी कड़ी को मजबूती प्रदान करने के लिए शासन के साथ जब धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं जुड़ करके इन कार्यक्रमों में सहभागी बनती हैं तो इसका कई गुना लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आज 1001 परिवारों को यहां पर सिलाई मशीन उपलब्ध होना ये महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। मैं जेके परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन बहनों को आज उपहार मिला है उन सब का भी अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनके स्वावलंबन को हम उन महिला स्वयं सेवी समूह के साथ जोड़ करके उन्हें समाज और राष्ट्र की व्यवस्था मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनको हम मेटीरियल उपलब्ध कराएं, रॉ मेटीरियल उपलब्ध करवा करके मार्केट्स के साथ जोड़ने का काम करें जिससे हर महिला सदस्य अपने परिवार के स्वावलंबन का आधार स्वयं बन सके। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर एक बार फिर से जेके परिवार को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की अग्रिम मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, वो लगातार तालियां होनी चाहिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को